Good morning everyone, welcome to CR International School online classes. How are you kids? I hope all are you fine there. We are going to discuss our second chapter, that is Teeth, the grinding machine of class 4th, subject EVS. We are going to continue our previous video in which we have discussed about answering one word and filling the blanks. And today we will discuss about the exercise. First, multiple choice question, then true false and matchup. Our first MCQ is temporary set of teeth has only. आपको बताया था कि जो milk teeth होते हैं वो temporary teeth होते हैं और milk teeth कितने होते हैं? 32 teeth होते हैं, 20 teeth होते हैं या फिर 24 होते हैं. तो आपको बताया था कि 20 teeth जो होते हैं वो किसमें छोटे बच्चों में होते हैं और उनको हम टेम्पररी सेट ऑफ टीथ भी कहते हैं. ठीक है. सेकंड इज अ कैविटी इन द टूथ इज कॉज्ड बाय. दांतों में जो स्मॉल छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं जिसको हम कैविटी कहते हैं वो किस वजह से हो जाते हैं? इज कॉज्ड बाय, फर्स्ट इज एसिड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से जो एसिड प्रोड्यूस होता है उनको उनको हम क्या कह रहे हैं? कैविटी कह रहे हैं. सेकेंड इज शुगर स्टिकिंग टू द टूथ. दांत में अगर क्या है जो मीठा है अगर वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है तो उसकी वजह से कैविटी हो जाती है या फूड की वजह से कैविटी हो जाती है. तो आपको बताया था कि कैविटी प्रोड्यूस किसकी वजह से होती है? एसिड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, इनकी वजह से हमारे दांतों में क्या हो जाती है? कैविटी हो जाती है. एंड थर्ड इज इंसिजर्स हेल्प इन. जो इंसिजर्स हैं हमारे जो फ्रंट टीथ हैं वो हमारी हेल्प करते हैं. किस चीज में हेल्प करते हैं? बाइटिंग फूड, टियरिंग फूड और ग्राइंडिंग फूड. देखो बाइटिंग फूड में हमारी हेल्प करते हैं इंसिजर्स, ठीक है, और टियरिंग में कौन करते हैं? हमारे कैनाइंस. और मोलर्स और प्रीमोलर क्या करते हैं? फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं. तो आपके ये ही तीन एमसीक्यू दिए गए हैं. फर्स्ट टेम्पररी सेट ऑफ टीथ हैज ओनली 20 टीथ. अ कैविटी इन द टूथ इज कॉज्ड बाय एसिड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया. एंड थर्ड इज इंसिजर्स हेल्पिंग बाइटिंग द फूड. नाउ ट्रू फॉल्स. अब फर्स्ट ट्रू फॉल्स इज वी हैव 37 परमानेंट टीथ. क्या हमारे मुंह में 37 परमानेंट टीथ है? तो ये और ये कह रहा है कि वी हैव 37 परमानेंट टीथ, कि हमारे मुंह में 37 परमानेंट टीथ होते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये क्या है? फॉल्स. Then all the teeth in our mouth are of same shape and size. हमारे मुंह में जितने भी दांत हैं उन सब का सेम क्या है? शेप है उनकी और साइज भी सेम ही है. क्या ऐसा है कि सबकी शेप और साइज एक ही जैसा है? नो, क्योंकि जो इंसिजर्स है उनकी शेप अलग है, कैनाइंस की अलग है, मोलर्स की अलग है, प्रीमोलर्स की शेप अलग है और सब अपने फंक्शन भी अलग अलग करते हैं. तो ये भी क्या दिया हुआ है? फॉल्स दिया हुआ है. ठीक है. थर्ड इज मोलर्स ग्राइंड द फूड. मोलर्स जो है वो हमारे फूड को पीस देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये क्या है? ट्रू है. हमने पढ़ा था कि मोलर्स जो है वो हमारे फूड को क्या करते हैं? ग्राइंड करने में और क्रश करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो इट इज ट्रू. देन इनेमल इज हार्डर देन बोन. इनेमल जो है क्या है? हार्डर है बोन से. तो ये ट्रू है कि इनेमल जो आपको बताया था कि हार्डर पार्ट होता है हमारी माउथ पर, ठीक है, तो ये क्या है? ट्रू. नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. कॉलम फर्स्ट में दिया गया है मिल्क टीथ. मिल्क टीथ जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? व्हाइटिंग टीथ कहते हैं, ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं, टेम्पररी टीथ कहते हैं, टियरिंग टीथ कहते हैं या फिर रिमेन्स फॉर लाइफ टाइम, वो हमेशा के लिए रहते हैं. तो मिल्क टीथ जो होते हैं वो हमारे टेम्पररी टीथ होते हैं. तो इसको हमें कॉलम सेकंड के सी से मिलाना है. सेकंड इज केनाइन. केनाइन क्या है? बाइटिंग टीथ है, ग्राइंडिंग टीथ है, टियरिंग टीथ है या फिर रिमेन्स फॉर लाइफ टाइम. तो कैनाइंस जो होते हैं आपको पता है उनको हम क्या बोलते हैं? टियरिंग टीथ कहते हैं. थर्ड इज परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ को बाइटिंग टीथ बोलते हैं,
हमेशा के लिए रहते हैं। नाउ मोलर्स, मोलर्स को बाइटिंग टीथ कहते हैं या फिर वो ग्राइंडिंग का काम करते हैं? मोलर्स को हम क्या कहते हैं? ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं। नाउ इंसिजर्स, इंसिजर्स को एक ही बचा हुआ है अब इसमें, इंसिजर्स को हम क्या कहते हैं? बाइटिंग टीथ। तो फर्स्ट को सी से मिलाएंगे, सेकंड को डी से मिलाएंगे, थर्ड को ई से मिलाएंगे, फोर्थ को बी से और फिफ्थ को ए से। ठीक है, ये हमारा मैचअप है। अब आपको एक्सरसाइज ई दी गई है जिसमें कुछ आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो आपकी फर्स्ट दिया हुआ है इसमें है डिफाइन द फॉलोइंग में, फर्स्ट दिया हुआ है इनेमल। आपको बताया था इनेमल क्या है? टूथ का एक पार्ट है। द हार्ड वाइट आउटर कवरिंग ऑफ टूथ इज कॉल्ड इनेमल। आउटर कवरिंग जो होती है हार्ड होती है, व्हाइट कलर की आउटर कवरिंग है जिसको हम इनेमल कहते हैं। ठीक है, सेकेंड इज इंसिजर्स। इंसिजर्स क्या है? आपके फ्रंट के जो एट टीथ जो है उनको हम क्या बोलते हैं? इंसिजर्स बोलते हैं। तो टीथ इन फ्रंट आर कॉल्ड, सॉरी यहाँ पे कैनाइन्स लिख दिया, तो ये